ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईद के मौके पर सोलन की जामा मस्जिद में सुबह से ही भीड़ जुटना आरंभ हो गई थी। मुस्लिम समुदाय के लोग नहा धोकर नए कपड़ों में सज धज कर नमाज पढ़ने के लिए एकत्र हुए और खूब हर्षो उल्लास के साथ सोलन में ईद का त्योहार मनाया गया। ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माल रोड पर स्थित जामा मस्जिद में नमाज अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। इस मौके पर सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अच्छे भविष्य की कामना की। ईद के मौके पर सोलन की जामा मस्जिद में सुबह से ही भीड़ जुटना आरंभ हो गई थी। मुस्लिम समुदाय के लोग नहा धोकर नए कपड़ों में सज धज कर नमाज पढ़ने के लिए एकत्र हुए और खूब हर्षो उल्लास के साथ सोलन में ईद का त्योहार मनाया गया। ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माल रोड पर स्थित जामा मस्जिद में नमाज अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। इस मौके पर सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अच्छे भविष्य की कामना की। इस मौके पर जामा मस्जिद के इमाम और यहां दूर दूर से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने देश की तरक्की और सलामती की दुआ मांगी है, वहीं प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। उन्होंने कहा कि सोलन की जामा मस्जिद में दूर दूर से लोग नमाज अदा करने आए और सक्षम लोगों ने पैसे एकत्र कर जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता भी दी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा एक माह तक भूखे प्यासे रहकर रोजे रखे जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि गरीब की भूख और प्यास क्या होती है, इसलिए वे हमेशा मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करे, ये दुआ ईद के त्योहार पर मांगी गई। ये रोजे का जो आखिरी टाइम होता है उस वक्त ईद उल फितर का आप कहते हैं इसको, ये शुक्राने की नमाज होती है, क्योंकि पूरे महीने पर मुसलमानों ने रोज़ा रखा होता है। पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, कुछ नहीं करना, ये एक किस्म का भूख का एहसास होना चाहिए इंसान को। कल को अगर देखे कोई किसी भूखे को, तब उसको एहसास हो जाएगा देखो क्या होता है भूखा और प्यासा कैसा होता है। अब उसको लास्ट पूरे 29 दिन रोजे पूरे हो गए, आज उसकी शुक्राने की नमाज दो रकात अदा की है, इसको ईद उल फितर कहते हैं। जामा मस्जिद सोलन में मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब ने पढ़ाई है और हम सब दूर दूर से आए हैं, मैं सपाटू से हूँ और क्या नाम इसका, यही शुक्रिया का इसका यह है। और पूरे मुल्क के लिए दुआ किया गया, सारा सोलन शहर के लिए दुआ किया गया, अपने मुल्क की हफाजत के लिए दुआ किया गया और हर आदमी के लिए दुआ किया गया। राहतें दुनिया में तेरी बार बार आती रहें, तेरे गुलशन में हवाएं मुश्क बार आती रहें, हो मुबारक शब बरात ईद उल फितर ईद उल दुहा, ऐसी ईदें जिंदगी में बार बार आती रहें। मोहम्मद यूनुस इमाम जामा मस्जिद सोलन, यहाँ जामा मस्जिद सोलन में रिवायात के मुताबिक हर साल 2-2.5 हज़ार लोग ईद की नमाज अदा करते हैं, जिसमें शहर के आसपास के और दूर दराज के लोग भी शामिल होते हैं। इस मौके पर शहर के और आसपास के 30-40 किलोमीटर के लोगों ने इसमें शिरकत की और देश की तरक्की के लिए, देश की सलामती के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए, समस्त समाज के लोगों के लिए, समस्त समाज के लोगों की खुशहाली के लिए, आपसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसारे भाईचारे की मजबूती के लिए यहाँ पर दुआ की गई और शहर के हिंदू सिख ईसाई भाईचारे ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद के मौके पर ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर गरीब मुसलमानों के लिए संपन्न और खुशहाल मुसलमानों की तरफ से 42 रुपये सदका फितर विशेष दान इकट्ठा किया गया। हर साल की तरह इस साल भी बहुत सादगी के साथ, बहुत खलूस के साथ ईद की नमाज बनाई गई, ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर यहाँ शहर के मौजूद लोग, इस्लामिया कमेटी मैनेजमेंट के लोग और तमाम मोतबर लोग इस मौके पर यहाँ पर मौजूद रहे। मेरी तरफ से और जामा मस्जिद सोलन की तरफ से, सोलन शहर में मुकीम तमाम मुसलमानों की तरफ से समस्त देशवासियों को एक बार फिर देश ईद की बहुत बहुत मुबारक। मेरा नाम बिलाल है, मैं सोलन मस्जिद में अपने पापा के साथ ईद मनाने आया हूँ। मेरा नाम मुसीन है, मैं यहाँ ईद मनाने आया हूँ सोलन जामा मस्जिद में। मैं हर साल यहाँ पे ईद मनाने आता हूँ अपने पापा के साथ। मैं दुआ करता हूँ कि ये सब लोग ठीक रहें।